हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपको कोई केक बनाना होता है तो सबसे पहले हमें उसका बेस तैयार करना होता है। तो एक परफेक्ट बेस हम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, बीच में से फूला हुआ ना हो, चारों तरफ से एक सार हो। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने बर्तन में लेते हैं थोड़ा सा ऑयल या बटर, आप कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही में ले लेते हैं पाउडर शुगर, आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी, बूरा कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ी सी मैदा ले ली है, साथ ही में ले लिया है मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और उसके साथ में ले लेते हैं थोड़ा सा वनीला एसेंस और थोड़ा सा ले लेते हैं विनेगर, यानी कि सफ़ेद वाला सिरका, और थोड़ा सा दूध डाल के अब इसका एक बैटर हम तैयार कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के, हमें बिल्कुल ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट हमारा होना चाहिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी इसकी, और कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको दूध थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाल सकते हैं, ऐसा हमारा बैटर तैयार होना चाहिए। मेरा केक टिन तैयार है, मैं इसमें डाल देती हूँ अपना बैटर, और इसको मैं माइक्रो में बेक करने वाली हूँ 180 सेंटीग्रेड पे, करीब 20 से 25 मिनट के लिए बेक करूँगी मैं। देखिए मेरा ये बेक हो गया है, कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट बनकर आया है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको, बिल्कुल एकदम से बढ़िया आना चाहिए हमारा। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इसका पेपर हटा देते हैं हम। ये कितना एकदम मॉइस्ट है, एकदम से कितना सॉफ्ट बना है हमारा ये। मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा ना कहीं से फूला है ना कोई और प्रॉब्लम है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे बीच में से फूल जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, चारों तरफ से एक सार एकदम बढ़िया परफेक्ट हमारा बेस जो है बन के बिल्कुल तैयार हुआ है। ये हमारा हमारा सिंपल बेस, हमारे किसी भी केक को बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बेस तैयार हुआ है। फ्रेंड्स हमारा तो बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर दी है ऐसे ही। थोड़ी सी मैं चॉकलेट भी ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट ऐसी अच्छी लगती है, तो मैंने ऐसे ही सिंपल सी डालने के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि मैं आपको सिंपल बेस बनाना बताया है मैंने आज आपको, तो इसके ऊपर मैं कोई क्रीम वगैरह या कोई चॉकलेट सिरप वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लगा रही हूँ। तो हमारा जो है चॉकलेट बेस बिल्कुल बन के तैयार है, फर्स्ट क्लास स्पंज बना है हमारा ये। तो मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से सिंपल बेस किसी भी केक के लिए बनाएं, खाएं, और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।